मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशनल वीडियोज में, जहाँ आप सीखते हैं बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पासवर्ड पॉलिसी में और कौन कौन से ऑप्शंस थे। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पासवर्ड पॉलिसी मेरा बिल्कुल सिर्फ एक ऑप्शन है जो हाईलाइटेड है, एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, अदरवाइज सब मेरा हिडन हो रखा है। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बताई थी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना, जैसे ही हमने यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योरिटी पे जाके अनेबल किया था तो हमारे पास ये यूजर मैनेजमेंट की ऑप्शंस आई थी। और उसके बाद मैं आपको बताई थी चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड और यूजर एंड पासवर्ड, किस तरह से हमारा जो पुराना है उसको नया बनाए, और यूजर रूल्स, और इसमें है पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी को जैसे ही हम यस करते हैं तो हमने आपको बताया था कि पासवर्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम पासवर्ड क्या होता है, स्पेसिफाई एडवांस, परमानेंट ऑफ पासवर्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इस ऑप्शन को यस करके। अब नेक्स्ट बारी हमारे पासवर्ड एक्सपायरी की। अब आप किसी कंपनी में पासवर्ड लगा रखे हैं और आपका मन है कि वो 90 दिन बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाए और आप दूसरा पासवर्ड क्रिएट कर सके, या फिर आपकी मर्जी कि आप 30 दिन तक वो पासवर्ड लगाए रखना चाहते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में वर्क करने जा रहे हो और वर्क करते टाइम ही आपको एक डील साइन हुई कि आप इस कंपनी में मात्र 20 दिन तक काम करोगे और उसके बाद आपको काम की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप 20 दिन के लिए अपने कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं। आप कोई सीए वगैरह हैं, आप किसी कंपनी का कोई डील हैंडल करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ देर, मान लेते हैं कि किसी 10 दिन के लिए आपको वहां बुलाया जा रहा है, 5 दिन के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने, आप जिस कंपनी पे वर्क कर रहे होते हैं, जिस विंडोज पे वर्क कर रहे होते हैं, उतने दिन के लिए आप वहां पे पासवर्ड लगा दीजिए, अदरवाइज आप वहां से निकलेंगे तो वो पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा जितने दिन बाद आप वहां से निकलेंगे। तो सेट ओ टू डिसेबल पासवर्ड एक्सपायरी एंड नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी। हम यहां आएंगे और इसे अगर हम यस करते हैं और यहाँ है हमारा रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। अगर हम पुराना पासवर्ड यूज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ ओल्ड पासवर्ड टू रिस्ट्रिक्टेड, जो हमारा पुराना पासवर्ड का नंबर था उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब नीचे आता है हमारा अदर ऑप्शन, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, जो आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था उस पासवर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, और अलाउ यूजर चेंज पासवर्ड, जो आपकी फर्स्ट टाइम किए थे उसे भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो रहने दीजिए। तो जैसे कि जैसे आपने अलाउ यूजर पासवर्ड यहाँ पे जो आपने क्रिएट हम बताए थे आपको सिक्योरिटी में जो आप चेंज किए थे वो आपका यहाँ से अब चेंज हो जाएगा। वापिस हम एस्केप की से बाहर आते हैं कंपनी पे और यहाँ से हम आते हैं यूजर रूल्स पे। अब यूजर रूल्स में हमारा क्या क्या है, सिक्योरिटी लेवल ऑफ कंपनी, नेम आकृति प्राइवेट लिमिटेड, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल, डाटा एंट्री पे भी आप सिक्योरिटी लेवल लगा सकते हैं, नेट यूजर पे, नेट ऑडिटर पे, नेट पर। तो इस तरह से आप जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं एक एक करके तो आप देख सकते हैं कि टेली नेट ऑनर, यूज ऑफ बेसिक फैकल्टी ऑफ ऑनर, ऑनर का जो भी बेसिक फैकल्टी वगैरह हुआ आप डालिए, डे अलाउ बैक्ड डीटीएल वाउचर, कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर, सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव्स वगैरह, ये सब आप डिटेल्स डाल सकते हैं, वो ऑनर के लिए होता है। डाटा एंट्री पे आप आते हैं तो डाटा एंट्री की भी जो ऑप्शंस वगैरह होती है आप यहाँ से देख सकते हैं कि फुल एक्सेस की जो है अकाउंट्स मास्टर में अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो वहां लगा सकते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी फीचर, कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, फंड फ्लो, लोकल वाइज समरी, ग्रुप मंथली समरी, ग्रुप समरी, इन्वेंटरी मास्टर्स, आउटस्टैंडिंग, पेरोल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक कैटेगरी समरी, स्टॉक समरी एंड ट्रायल बैलेंस एंड वाउचिंग डन, इन सब पे भी आप डिसअलाउ कर सकते हैं पासवर्ड। ये टेलीनेट यूजर के लिए, अगर आप एक एक ऑप्शंस पे आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वाउचर कोई ना देखे आप डायरेक्ट वाउचर पे लगा दें, अदरवाइज इन सब की उतनी यूज नहीं होती है, बस आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त ये अपने कंपनी के अल्टरेशन पे जाके वो पासवर्ड और यूजर नेम डाल दिया,
आपकी कंपनी कोई ओपन नहीं करेगी तो आप क्यों खामोखा हर जगह पे जाके पासवर्ड लगाएं और उसको खोलने में टाइम वेस्ट करें और पासवर्ड लगाने में टाइम वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा इस वीडियो में किस तरह से हम पासवर्ड की पॉलिसी का पूरा एक्टिवेट करते हैं और यूजर के रूल्स, कि जो एक यूजर है वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं डाटा एंट्री वगैरह के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम YouTube पे कुछ प्रमोशनल वीडियो ही अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप IPT एक्सेल स्कूल की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से आपको मिलता है कंप्लीट टैली प्राइम की बेसिक टू एडवांस वीडियोस अकाउंट के साथ, और BBA की कंप्लीट वीडियो, एक्सेल विथ माइक्रो प्रोग्रामिंग की वीडियो, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूलेज की वीडियोज एंड 1-to-1 लाइव क्लास, जिसे आप कैसे कॉन्टेक्ट करें तो आपको मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। आप वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल ऐप का नाम है IPT एक्सेल स्कूल, और अपने मनपसंद कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।